हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय धुम्मन सिंह किरमच का आज पिहोवा पहुंचने पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्री राकेश पुरोहित ने अपनी पूरी टीम समेत आदरणीय धुम्मन सिंह जी का जोरदार स्वागत किया। धुम्मन सिंह ने कहा कि मां सरस्वती ने मुझे अपनी सेवा करने का जो मौका दिया है उसमें पूरी लगन और तन मन से निभाऊंगा। धुम्मन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि मां सरस्वती मंदिर के विकास और साफ सफाई के मामले में कोई भी समस्या आने नहीं दी जाएगी। उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह ने प्राचीन तीर्थ पर रेलिंग व सफाई का जायजा लिया। प्राचीन तीर्थ मंदिर के पुजारी ने उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इससे पहले उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने SDM पिहोवा से मुलाकात कर सरस्वती मंदिर से संबंधित कई विषयों पर विचार विमर्श किया, जिनमें से आयरन रेलिंग, वेस्ट वाटर्स का समाधान, प्राचीन तीर्थ व सरस्वती मंदिर की साफ सफाई के बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार विमर्श किए गए। हाँ जी चेयरमैन साहब, आज आपका पिहोवा का दौरा रहा, उसमें क्या खास था और क्या विषय था? देखिए आज हमारा पिहोवा का जो दौरा था उसमें जो मुख्य बातें थी, सरस्वती का पानी का जो फ्लो है उसके ऊपर बातचीत हमने की। अभी SDM साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, हमारे इस सेक्शन के जो अपने SC हैं अरविंद जी वो भी हमारे साथ थे, और लक्की जी, पूरी टीम, मंडल, हमारे सभी पदाधिकारी। तो मुख्य उद्देश्य ये था कि सरस्वती में पानी अविरल बहे, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अभी करने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी हम रेलिंग देख के आए हैं, जो तीर्थ पे जो रेलिंग बननी है वो सारी हम रेलिंग बनवाएंगे, उस सारा तीर्थ की स्वच्छता सारी हम देख के आएंगे। आगे हम स्तोड़ा की तरफ भी सरस्वती का सारा हम दौरा करके आए, उसमें भी जहाँ जहाँ जो जो काम हो सकता है वो स्टेप बाय स्टेप हम उस पर काम करेंगे। और थोड़ा समय है हमारे पास, रेनी सीजन से पहले सफाई और सारा मेंटेनेंस की हम कोशिश कर रहे हैं। सर एक अब स्तोड़ा की साइड गए थे, वहाँ कुछ डिस्प्यूट है कुछ जमीन का? नहीं, डिस्प्यूट नहीं है, कुछ लोगों ने थोड़ी एनक्रोचमेंट की हुई है, वो हमारी सरपंच से बात हुई है, उस एनक्रोचमेंट को हटाने का जल्दी से जल्दी उनको कहा है और वो जल्दी जल्दी हटा भी देंगे। देखो सरस्वती के नाम पे हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं भी सरस्वती माँ की किसी न किसी तरह से सेवा करूँ। हम तो हमेशा कहते हैं कि लक्ष्मी उसी के घर में आती है जो सरस्वती की पूजा करता है, तो कोशिश यही रहती है। लोगों को भी यही है कि कई बार जाने अनजाने में कोई ऐसा व्यक्ति कर देता है, अदरवाइज तो सभी जिनसे हम आग्रह करते हैं वो मान भी लेते हैं कि हाँ ऐसा कोई एनक्रोचमेंट है, तो छोड़ भी रहे हैं लोग, और वहाँ पर हम ये सारा ऐसा मैनेज कर लेंगे। सरपंच से भी हमारी और सारी जो हमारी कमेटी है उन सबसे बातचीत करके इसको हम सिरे चढ़ाएंगे। और अभी एक कमेटी हम बना रहे हैं जो इस सारे प्रोजेक्ट को देखेगी, मेंटेन भी करेगी, उस सामाजिक लोगों को हम साथ लेके उसमें हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर।